अगर आप भी फेसबुक के पेज प्रोफाइल कहीं पे भी अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं और एड्स और रील्स से अगर आपने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था और वो रेवेन्यू को लेकर अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान है कि वो पैसा जो जनरेट हुआ था, चाहे वो आपका $500 हो, चाहे आपका $10,000 हो, चाहे आपका $20,000 हो, चाहे आपका 5,000, 6,000, 2,000, 500, 300, कुछ भी डॉलर अगर आपका जनरेट हुआ था, तो क्या वाकई में वो जो पैसा है वो आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि अभी कल की डेट में क्या हुआ, एक अपडेट हुआ फेसबुक की तरफ से जिसमें सारा पैसा जो आपका जीरो हो गया, कई लोगों का जीरो हो गया, कई लोगों का अगर मान लो 500 था तो वो 100 पे आ गया या 50 पे आ गया, 30 पे आ गया। इसी से रिलेटेड मैं कई चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ जो लोगों ने, ऑडियंस ने जो कुछ पूछे हैं जो सवाल, आई थिंक इससे आपका सारा डाउट हो जाएगा कि जो पैसा है वो मिलेगा तो कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा केस यहाँ पर ये है कि आप सबके लिए गुड न्यूज़ और गुड अपडेट है कि भाई फेसबुक ने आपके पेआउट्स को अपडेट कर दिया है, सारी पेमेंट्स अपडेट कर दी है। आपको इसके बाद मैं आपको सारे चीज़ क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा मे भी हो सकता है लेकिन आप समझेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि फेसबुक का जो एड्स और रील्स का पैसा है उसका होगा क्या, अगर नहीं दिख रहा है तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहला अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि एक मैम है, इनका नाम क्या है भाई, देखो यहाँ पे जो है एंजल, ठीक है, यहाँ पे ये एंजल करके हैं इनका जो भी है, चाहे अब इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा मुझसे यहाँ पर, ये बोलते हैं कि सर मेरे $23,000 से $230 बचे हो गए, पहले मैं क्रेजी थी, अब मुझे सदमा लग गया है, आई एम मेंटल हरास्ड बाय फेसबुक। सो गाइस मतलब देखो अब इनका क्वेश्चन ये है कि भाई $23,000 था, उससे घट के ये जो है $230 बचा, तो क्या ये पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो भैया सबसे पहली बात कि ये जितनी भी चीज़ है ना ये सब फेसबुक का, अच्छा एक फेसबुक का एक ग्लिच था। अच्छा इतने नहीं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भाई इन्होंने ये बोला है कि भाई वी वांट फ्रॉम $9,000 टू $43, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो मतलब वो इस बात को लेकर हैरान है कि भैया मेरे $9,000 थे और वो घट के अब सिर्फ $43 बचे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिकॉज ये एक ग्लिच था, एक बग था, तो ऐसा कभी भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। सर एक यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन एक और है आपके सामने, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा रणधीर जी का है, $2 ही घट गया है। अब देखो आप ना सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो, कई लोगों का पैसा एक्चुअल बना है, जैसे इनका देखो रणधीर जी का, इन्होंने मैसेज लिखा कि सर $2 ही घट गया है, अभी $205 है, पे आउट में दिख नहीं रहा है, लेकिन सर $205 प्रोसीड या होल्ड कुछ भी नहीं, केवल $10 मिले हैं जुलाई महीने में, वो दिखा रहा है, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो ये बोल रहे हैं कि $2 ही घटा है जबकि $205 इनका शेष अभी भी बचा है, तो वो पैसा आएगा या नहीं आएगा? देखो सबसे मेन बात कि अगर आपका एक्चुअल रेवेन्यू अगर एड्स ऑन रील से हुआ है, जो भी पैसा अगर आपने जनरेट किया है एड्स ऑन रील से, वो आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी करेक्ट आपका जो भी एड्स इंप्रेशन से पैसा आया वो जनरेट हुआ, वो 101% आपका मिलेगा। क्योंकि अगर इनका $2 घटा है, $205 बचा, तो इनका पेमेंट इनके बैंक अकाउंट में रिलीज हो जाएगा, बट वो देखना है कि पेमेंट साइकिल कौन सा था, उस पेमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन और है, यहाँ पे देखोगे ये बोलते हैं कि मेरे तो $12,000 से ज़्यादा बन रहा था लेकिन अब $30 ही रह गया है। ये सबके साथ केस है भैया, किसी का 12,000, किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पे है कि मेरा भी 9,935 हुआ था, अब $108 दिखा रहा है, एक झटके में सब सपना खुशियाँ चूर चूर हो गया। तो भाई देखो ये तो है भैया कि देखो फेसबुक ने जो लोगों के साथ किया है ना, मतलब पहले कुछ और दिखाया, लोगों ने उसके एक्साइटमेंट के चक्कर में और दबा के काम किया और एफर्ट्स लगाया और वीडियोस बनाया और जिससे लोगों का अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन एक ही बैग वो कल की डेट में अपडेट किया कि सब कुछ उसको एकदम घटा के एकदम ना के बराबर कर दिया। एक क्वेश्चन और देखो आप यहाँ पे, सुदीप यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे $400 थे, अभी $18 हुए हैं, तो $400 मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बताएं प्लीज़। तो ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का, देखो ये बोलते हैं कि $400 हुआ था, अब वो सिर्फ $18 बचा है, तो जो पैसा था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहली बात कि भाई जो कुछ भी आपका रेवेन्यू अपडेट हुआ था 6 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक के बीच में, वो सब एक ग्लिच था, एक बग था, जिसकी वजह से फेसबुक ने उसको ठीक कर दिया, क्योंकि $0 की रेवेन्यू का बहुत प्रॉब्लम था, पेमेंट दिखता ही नहीं था, $0 दिखता था, जिसकी वजह से वो सब कुछ ठीक कर दिया। पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे फेसबुक की जो इनसाइट्स हैं,
जो रेवेन्यूज की इनसाइट्स हैं उन सबको आप चेक करेंगे तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जितना आपका व्यूज है उतना आपका पैसा दिखेगा। तो यानी कि वो फेसबुक का एक ग्लिच बग था जिसकी वजह से मैम आपको ये $400 नहीं मिलेगा, एक्चुअल रेवेन्यू जो आपने $18 कमाए वही आपका मेन रेवेन्यू है, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जिसमें ये बोलते हैं कि सर मेरे में ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा है, जुलाई का जो भी पेमेंट है वो कट गया है, $1970 थे $127 बचे हैं लेकिन होल्ड पर भी नहीं दिखा रहा और कुछ पता नहीं है कि कहाँ गया। तो भैया देखो ये कहाँ नहीं गया डॉलर, ये डॉलर सब रिमूव हो गया, सब वो ग्लिच था, वो बग था फेसबुक का जो कि अब ठीक हो गया, तो उसकी वजह से आपका सारा पेमेंट जीरो कर दिया गया है या जो भी आपने एक्चुअल कमाया वो हो गया है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर है कि एबिटेक का राइट, मेरा भी बना था जो कि बोलते हैं कि अब सिर्फ 70 म्यूजिक से बना था, बोलते हैं 70 हो गया है 5 दिन में, लेकिन सॉन्ग लगाने से $3200 लेकिन सब गायब हो गया। तो भाई ये सबके साथ है, किसी के 5000 किसी के 10000। एक और चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर, ये गोपी किशन जी बोलते हैं कि डॉलर को निकालते हैं कैसे हैं। भैया देखो डॉलर को निकालने के लिए कुछ नहीं है, जैसे आपका जो भी रेवेन्यू है चाहे स्टार से हो चाहे एडसन रील से हो चाहे आपका इनस्ट्रीम एड से हो बोनस से हो किसी भी चीज़ से हो, जैसे वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट करेगा यानी $100 आपका पूरा करेगा, ऑटोमेटिक आपका अगले महीने में जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट महीने का यानी कि अगर जुलाई महीने का पेमेंट आपका $100 हो गया, अगस्त के महीने में 21 तारीख की डेट में आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले 2 से लेकर 3, 4, 5, 6 तारीख तक की डेट में आपका पैसा आपके पे आउट में दिखाने लग जाएगा कि नेक्स्ट पे आउट आपका क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर ये बोलते हैं कि हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन है भैया, ये सारे सवाल जो आपको आई थिंक क्लियर हो गया हो कि भाई जो भी आपका रेवेन्यू था वो एक ग्लिच और एक बग था जो अभी ठीक कर दिया गया है, और आई थिंक अभी आप समझेंगे कि भाई ये सारा का सारा एक फेसबुक की तरफ से कह सकते हैं एक बहुत बड़ा लोगों के लिए एक लालच वाली चीज़ इसने दी थी कि चलो भाई बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, बट वो मिनटों के अंदर ही वो सब गायब हो गया। सो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका जो पैसा है वो पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल आपका अभी दिख रहा है वही आपका करेक्ट आपका डेटा है, वही आपका पैसा, जैसे वो थ्रेशोल्ड पूरा होगा तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जितना भी पहले आपके अकाउंट में दिख रहा था वो सब कुछ भी नहीं आने वाला है, उसकी आप उम्मीद छोड़ दो। आप ये मत समझो कि फेसबुक ने उसको गायब कर दिया, वो ग्लिच है, वो वापस आ जाएगा, कहाँ गया कहाँ हाइड हो गया, कुछ भी नहीं है, सब वो ख़त्म हो चुका है। वो एक एरर था जिसको एक डिस्प्ले एरर जिसको बोलते ना कि कुछ और दिख रहा है अभी, तो वो डिस्प्ले एरर था, वो डिस्प्ले एरर अभी ठीक कर दिया गया। तो आपका जो अभी जो डेटा है चाहे आपका $4 चाहे $200 चाहे $500 है वो आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बट इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी दिखा दो फेसबुक का जो नेक्स्ट अपडेट है, वो नेक्स्ट अपडेट फेसबुक का यहाँ पर हो चुका है और आप यहाँ पे समझ लो। जैसे आप देखोगे अर्निंग जो है $1,098 नेक्स्ट पे आउट होएगा। अब ये सब चीज़ें आपका यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया है। ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन में आपको ये अमाउंट आपको यहाँ पे प्रोसीड पे दिखेगा जो कि फेसबुक ने अपडेट कर दिया है सबकी पेमेंट। सो गाइस आई थिंक अभी ये सारा चीज़ क्लियर हो चुका है कि फेसबुक ने जितना भी आपने कमाया है जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट की है वो नेक्स्ट पे आउट में उसने डाल दिया है, चाहे आपका एड्स ऑन रील्स का हो चाहे आपका स्टार का हो चाहे किसी भी तरीके का आपका पेमेंट हो। तो इसके लिए आप जाके अपने पे आउट सेक्शन में नेक्स्ट अपडेट में आप चेक कर लो, आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस बाकी इसके अलावा आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो एड्स ऑन रील्स का पैसा था उसको तो भूल जाओ, वो तो अभी आपको नहीं मिलने वाला, उसको आप छोड़ दो, भूल जाइए बिल्कुल भी। अब आप नए तरीके से जो भी आप काम कर रहे हो उसी वही पैसा आपके पास आएगा, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए। सो बस ये था कुछ अपडेट, आई थिंक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो समझ लो एक वो सपना था जो ऐसे आया और ऐसे आँख खुली तो सब गायब हो गया, तो ये समझ लो उसका हाल। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। बाकी अगर आपको कोई सुझाव चाहिए कोई कंसल्टिंग चाहिए डायरेक्टली आप रेड नंबर 9311478127 पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप वहाँ से मेरी टीम से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्टली आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, बट वो सब पेड सर्विसेज रहेंगी, ये बात ध्यान रखिए। कंसल्टेंट भी अभी पेड है बिकॉज जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे तब तक भाई आप भूल जाइए कि आपका कॉन्टैक्ट हो पाया, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है कि उसको कॉल उठाना वो एक बिग टास्क बन चुका है। सो गाइस बस लेते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। गाइस बाय एंड टेक केयर।